हेलो दोस्तों वेलकम बैक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द फोर फिलर ऑफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ शास्त्र तो ये फोर फिलर क्या है इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो पहला फिलर है वो है ऑलवेज ट्राई टू हैप्पी है ना और सेकंड फिलर है ए हैप्पी पर्सन हैज़ बेटर कंसंट्रेशन और थर्ड फिलर है बेटर कॉन्सेंट्रेशन ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट और फोर पिलर है ए बेटर रिजल्ट इज द वे टू सक्सेस तो ये जो फिलर है ये एक ही चीज़ के लिए है दोस्तों वो है हाउ टू स्टे हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ अगर आप अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं सक्सेसफुल चाहते हैं तो ये फोर पिलर को आपको समझने की आवश्यकता है आपको याद रखने की आवश्यकता है तो समझने की कोशिश करते हैं ये फोर पिलर क्या क्या है पहला फिलर है एलवेज ट्राई टू स्टे हैप्पी मतलब हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए ठीक है और दूसरा फिलर है हैप्पी पर्सन हैज बेटर कंसंट्रेशन मतलब अगर आप हैप्पी रहते हो तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर हो जाता है है ना आप सिर्फ इसी फीलिंग्स में जब आपकी जो है हैप्पीनेस फीलिंग्स के साथ ही आप अच्छा कंसंट्रेशन दे सकते हो है ना अगर आप दुख रहेंगे सैड रहेंगे एंग्री रहेंगे अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप कभी अच्छा से कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे है ना एंग्री पर्सन ही कैन नॉट कन्सेंट्रेट दुखी पर्सन ऑल्सो कैन नॉट कन्सेंट्रेट सैड पर्सन ऑल्सो कैन नॉट कन्सेंट्रेट ओनली ए हैप्पी पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट एवं किब्स ए बेटर कॉन्सेंट्रेशन है ना तो थर्ड फिलर में ये है कि जब आप बेटर कंसंट्रेशन करते हो आपके पास बेटर कंसंट्रेशन होता है काम के लिए तो ओबियसली जो भी आप काम करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा है ना है ना? अगर आप कंसंट्रेशन अच्छे कंसंट्रेशन से काम करते हो तब जाके ही तो आपका जो जो भी आप काम करते हो वो काम अच्छा होगा ना उसका अच्छा होगा वो काम अच्छा होगा तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा है ना और फोर्थ पिलर में ये है कि जब आपका जो भी आप काम करते हो उसका अच्छा रिजल्ट निकल के आता है वो अच्छा आप कर पाते हो जो भी आप काम करते हो वो अच्छा काम कर पाते हो तो ऑब्वियसली दिस इज़ द वे टू सक्सेस है ना आप जो भी काम आप करते हो वो अगर सब कुछ अच्छा 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 रिजल्ट आ जाता है तो आप जो आपकी जो गोल है आप जो बनना चाहते हैं करना चाहते हैं वो ऑबियसली आपको मिल जाएगा जल्दी है ना इसलिए ये फोर्थ पिलर में ये कहा गया है ए बेटर रिज़ल्ट इज़ द तो वेटर सक्सेस है ना अगर आपका काम का बेहतर रिजल्ट होता है तो उसका जो सक्सेस होने का जो आपका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा भर जाता है ना जैसे कि एग्जांपल आप आई ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर आई ऑफिसर या फिर बिजनेस या फिर जो भी हो साइंटिस्ट डॉक्टर है ना आप बनना चाहते हो कोई तो आप पहला जो काम कीजिए वो हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए ठीक है ट्राई टू एलवे स्टे हैप्पी क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छा होगा जब आपकी कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो आपका काम भी अच्छा होगा जब आपका काम भी अच्छा काम अच्छा होगा तो उस काम के अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और अगर उस काम के अच्छे रिज़ल्ट आएंगे तो सक्सेस तो ऑलरेडी आपके पास आ गया है है ना इसी को ही ये फोर पिलर में आपको बताया गया है ट्राई ट्राई टू स्टे हैप्पी हैप्पी पार्सन एज बेटर कॉन्सेंट्रेशन बेटर कॉन्सेंट्रेशन ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट एंड ए बेटर रिजल्ट इज द वे टू सक्सेस मतलब क्या है आप खुश रहने की कोशिश करते हो अगर आप खुश रह पाते हो तो सक्सेस भी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है ना बहुत लोग सोचते हैं कि यू you नो know, सक्सेस होने के बाद ही खुश खुशी आती है लेकिन चीज़ें अपोजिट है जब आप खुश होते हो तो सक्सेस के रास्ते में आप बहुत जल्दी आ जाते हो है ना <coughs> तो यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम यह लगता है कि आपने तो बोल दिया कि हमें खुश रहना चाहिए ट्राई टू बी हैप्पी तो हम कैसे खुश रहेंगे आप मेरे पास तो पैसा नहीं है मेरे पास तो घर नहीं है मेरे पास तो ठीक से खाना पीना नहीं है ठीक से ड्रेस नहीं है ठीक से ट्यूशन फीस नहीं है ठीक से टीचर नहीं है मैं कैसे खुश रहूँ मेरे पास तो बहुत कुछ नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में कि आपके पास कुछ है ही, ही नहीं ऐसे सिचुएशन में हम कैसे खुश रहे इस विषय में ही मैं मुझे आपको विस्तार में समझाना पड़ेगा और इसको समझाने के लिए ही हाउ टू स्टे हैप्पी विदाउट हैविंग एनीथिंग इस सीरीज को मैंने बनाया है जो कि सीरीज का नाम हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ शास्त्र तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा जो भी इस सीरीज में जितना भी पार्ट है उसको देखिएगा आपको सोलूशन उसका आंसर मिल जाएगा मैं आपको कुछ मंत्र दूंगा जिन मंत्र को आप समझ के आप हैप्पी रह सकते हैं विदाउट हैविंग एनीथिंग और विदाउट हैविंग एनीथिंग अगर आप खुश हो जाते हो तो यू विल हैव एवरीथिंग स्लोली धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा तो यही हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ का जो फोर फिलर हैं ये फोर फिलर आपको याद रखने की आवश्यकता है समझने की आवश्यकता है जब अगर आप ये फोर फिलर को अच्छे से समझ पाते हो तो आप ज़िंदगी में यू नो हाउ टू स्टे हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ ये आपको मिल गया है ना यू कैन एलवेज स्टे हैप्पी यू कैन एलवे हैप्पी पर्सन हैज़ वे टू सक्सेस और फिर हैप्पीनेस रहने का फ़ायदा दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये तो सक्सेस है सक्सेस की तरफ तो आप भर ही रहे हैं एक पर्सन जो हमेशा हैप्पी रह सकता है वो धीरे धीरे लकी हो जाता है ठीक है अगर आप लकी बनना चाहते हो लाइफ में तो आपको हैप्पी रहना है अगर आप हैप्पी रह नहीं पाते हो लाइफ में तो ऑबियसली स्लोली यू आर गोइंग टू बी अनलकी अगर आप अपने आप को सोचते हो अनलकी हो ट्राई टू एलवेज स्टे हैप्पी धीरे 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 आप लकी बन जाओगे है ना इसको भी मैं कुछ और वीडियो में बात करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है पहला आप ये हाउ टू स्टे हैप्पी विदाउट हैनीथिंग इसका मंत्र ले लीजिए जिसका वीडियो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा है न तो दिस इज द फोर फिलर ऑफ आवर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ मंत्र एक फार्सन जो है पी रह पाता है उसका कंसंट्रेशन अच्छा होता है कंसंट्रेशन अच्छा मतलब काम अच्छा काम अच्छा मतलब उसका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट अच्छा मतलब सक्सेस तो आ ही गया है ना है ना रिजल्ट अच्छा रिजल्ट और सक्सेस इसके बारे में शायद आप थोड़ी कंफ्यूज हो गए होंगे रिज़ल्ट मतलब देखिए दोस्तों एक गोल है आपका इस गोल को गोल तक पहुँचने के लिए बहुत सारी आपको माइलस्टोन स्टोन एक्सीप्ट करनी पड़ती है मतलब बीच बीच में बहुत सारा छोटा छोटा काम आपको सक्सेस करनी पड़ती है है ना जैसे कि आपको आई एस ऑफिसर बनना है या फिर आई ऑफिसर बनना है तो बीच बीच में बहुत सारा किताब आपको पढ़नी पड़ती है बहुत सारे एग्जाम आपको देनी पड़ती है ना तो ये एग्जाम किया गया दो एग्जाम आपको देनी पड़ती है मतलब दो माइल आपके पास है है ना ये दो माइल आपके पास है तो Uh, इस दो माइलस्टोन को अच्छा से परफॉर्म करो उसका रिज़ल्ट के बारे में बोल रहा हूँ ना ये दो नो uh, uh, you know, माइलस्टोन का रिज़ल्ट अगर अच्छा हुआ तो ओब्वियसली सक्सेस तो मिल गया आप आई एस आई बी ऑफिसर बन गए बस ये दो एग्ज़ाम पास करना है है ना तो ये जो रिज़ल्ट है मैं जो कह रहा हूँ कि बेटर कंसंट्रेशन ब्रिंग्स बेटर रिज़ल्ट मतलब बहुत सारा छोटी 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 सक्सेस आपको करनी पड़ेंगी एक बड़ी सक्सेस मिलने के लिए ठीक है तो ये छोटी छोटी सक्सेस का रिजल्ट को मैं बोल रहा हूँ ठीक है छोटी छोटी सक्सेस का रिजल्ट जब अच्छा आ गया तो बड़ी सक्सेस तो आपको मिल गया है ना तो इसी को ही समझाया गया है नंबर थ्री में बेटर कॉन्सेंट्रेशन ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट है ना ठीक है आप समझ के ना वाई द हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट जिंदगी में सफल होने के लिए हैप्पी रहना बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों और हैप्पी रहना <coughs> एक आर्ट है ठीक है इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक गिव यू सुपर पावर और समथिंग नो दिस इज आर्ट आर्ट में हम क्या करते हैं टैलेंट आर्ट के लिए टैलेंट चाहिए टैलेंट के लिए क्या चाहिए स्किल चाहिए स्किल क्या करता है जब नॉलेज एक नॉलेज को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो तो स्किल आ जाता है स्किल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको टेलेंट आ जाता है टेलेंट आ जाता है तो यू कैन हैव यू आर ए बेटर आर्टिस्ट है तो यहाँ पर क्या है जो हम हैप्पी रहते हैं विदाउट हैविंग एनी थिंग्स दैट कैन कम बाय प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं ये ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी दौलत होनी चाहिए तब जाके आप खुश होंगे ऐसा नहीं है विदाउट हैविंग एनी थिंग ऑल्सो यू कैन स्टे हैप्पी एंड दिस इज अ काइंड ऑफ आर्ट ना इसको हम डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करके इसको हासिल कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस सीरीज ना हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ की जो सीरीज है यहाँ पर हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू स्टे हैप्पी विदाउट हैविंग एनी क्योंकि एक बार हैप्पी दे पाते हो आप देन सक्सेस इज ऑन योर वे ओके तो आज के वीडियो में बस इतना ही next video kega i will try to explain you give uh, try to give you some mantra about how to stay happy without having anything thank you for watching